बाबा साहब ने कुछ तात्कालिक परिस्थितियां थी जिनके कारण मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असमानता की बात कर रहे हैं। जिस समाज से बाबा साहब आ रहे, अगर उनको इस देश के अंदर अछूत माना जा रहा है, तो तात्कालिक उनका जो रिएक्शन था वो सही था। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि आज जब इक्वलिटी की बात, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान लिखा मनुस्मृति जलाने के बाद, तो आज बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमें ये नहीं पढ़ाना है कि मनुस्मृति में क्या है, हमें मेरे बच्चों को ये पढ़ाना है अब कि संविधान में क्या है। क्योंकि जो निगेटिव ग्रंथ अगर है समाज के लिए, तो उसकी चर्चा बंद कर दी जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मनुस्मृति की चर्चा हमें बंद कर देनी चाहिए, बाबा साहब ने सिम्बॉलिक तौर पर जला करके और इस देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो पूरी कम्युनिटी, इस देश के हर जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर, हर किसी के समानता की बात कर रहा है। तो वो 25 दिसंबर का दिन था जिस दिन बाबा साहब ने जलाया, लेकिन सिम्बॉलिक तौर पर लोग अभी भी उसको मना रहे हैं, तो लोगों की भावना है और बाबा साहब द्वारा वो काम किया गया, तो निश्चित रूप से उसकी रिलेवेंसी है। लोग इस ग्रंथ को अच्छा मानते हैं, क्या कहना? देखिए, जो इस देश के अंदर और पूरे विश्व की बात करें, किसी भी ग्रंथ को जो जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, अच्छा मान रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर आज उस ग्रंथ की चर्चा नहीं है, वो हिडन रूप से मान रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिलेवेंसी जो है मानवता की रहेगी, रिलेवेंसी इक्वलिटी की रहेगी, और इसीलिए किसी भी सार्वजनिक मंच पर मनुस्मृति की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन आजकल कहा जा रहा है मनुस्मृति का राज आने वाला, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है ना देश में? देखिए, मुझे लगता है इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो संविधान से शासित होती है, संविधान से चलती है, तो राज कौन लाने वाला है? तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि राज आने वाला है, वो यूनाइट हो जाएं, तो मुझे लगता है राज तो संविधान का ही चलेगा, ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं डर है आपको, क्योंकि वो डर, एक सेकंड, ये डर जो है वो किस लिए है? जब आप यूनाइट हैं, जब आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं, जब संविधान में साफ साफ लिखा कि सभी बराबर हैं, डेमोक्रेसी को हमारे संविधान की मूल भावना है, भाईचारा संविधान की मूल भावना है, लोक कल्याणकारी राज्य के तहत इस देश के हर जाति धर्म वर्ग के नागरिकों को हम मेंटेन करेंगे, सरकार मेंटेन करेगी, चाहे उनकी फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन सिक्योरिटी हो, या फिर उनकी चिकित्सा की व्यवस्थाएँ हो, हर चीज़, तो हम उन पर हमें फोकस करना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। हम लोग इंडियन सिटीजन है, अगर कोई DM, SDM, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पॉलिटिशियन आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा, यूनाइट होकर के ऑनेस्टी से आप उसके समक्ष ये सवाल पैदा करिए। देखिए, हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट उस टाइम पीरियड में बनी जब हमारे देश की पॉपुलेशन भी कम थी, तो अगर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अगर वो ऐसा कोई करता है, तो हम सब लोग किस लिए हैं? हमें बोलने का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हमें कोर्ट मिली हुई है, कोर्ट में हम अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगे हैं। दमखम से यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। इस देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, बहुजन आबादी है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान लिखे गए हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की जाने की कोशिश की गई SC ST एक्ट में 2017-18 की बात है, 18 में बदलाव कर दिया ना, उसके बाद क्या हुआ देखा आप लोगों ने, एक आंदोलन पे पार्लियामेंट ने बदल दिया, तो आप लोग समझिए अपनी ताकत। उस आंदोलन में 1.5-2 लाख लोग निकले होंगे, जिस दिन 10 लाख लोग भी अगर दिल्ली की सड़कों पर आ गए, तो भाई बेफिक्र रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों के पास बाबा साहब द्वारा लिखा गया बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज, लेकिन MCD चुनाव में BSP की स्थिति ठीक नहीं है, क्या कहना आप? देखिए, क्या है ना, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, हम पीक पर भी गए और अभी हम डाउनफॉल में भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे बच्चे परचम लहरा रहे हैं, आपके बीच में ये
पूरी टीम हमारी खड़ी हुई है जिस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सूरज भाई हैं इधर, स्वयं अम्बेडकर जो है, इनके भाषण तो आप लोगों ने सुने होंगे, 10 मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जाते हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो हमारे आपके बीच के युवा निकल करके आगे जा रहे हैं, तो उनको और मौका दीजिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। साथ में ही देखो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जितना मैं समझती हूँ किसी भी मंच पर, कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके नाम का रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये बौद्ध महोत्सव जो आयोजन समिति है उसके मेरे सभी भाइयों का अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही श्रद्धेय श्री SP आनंद सर जो कि अध्यक्ष हैं, श्रद्धेय विनोद बौद्ध सर, KP सिंह सर, सुंदरलाल सर, हरिओम स्वामी जी, मोहर सिंह बौद्ध जी, सूरजपाल एडवोकेट भाई, चेतन आजाद जी, मोहन किशोर जी, सीमा बौद्ध जी, राजेंद्र गौतम जी, शिवानी बौद्ध जी, रेशम सिंह बौद्ध, अरविंद बिंबसारी जी, राज सिंह जी, रवि राज जी, संतोष बौद्ध जी, जसवीर कुमार जी, राज रतन भास्कर जी, संजीव सत्यार्थी जी, जितेंद्र सिंह जी, रजनीश जी, सतीश बौद्ध जी, डॉक्टर राधेश्याम जी, और आंटी आपका नाम क्या है? मालती गौतम। मालती गौतम आंटी जी का भी शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वहाँ पहुँचा दिया। लंदन में इलेक्शन जीता, और लंदन में इलेक्शन जीता है जी। हाँ, हम लोगों से मिले भी हैं, प्रशांत एक कार्यक्रम में, हाँ सुशांत जी हम लोगों से एक कार्यक्रम में भी मिले थे, हम उनसे भी कांटेक्ट में हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक लड़ाई हमारी जो है राजनीतिक सत्ता हासिल करने की है, सामाजिक भागीदारी, समतामूलक समाज की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई है हमारी मिशन की, और उस मिशन में हमारी महिलाओं की भागीदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको हक अधिकार दिए बिना ये संभव नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, और त्रिशला मेरी छोटी बहन आ जाओ, आवाज निकली, ऐसी मेरी कितनी बेटियां हैं इधर, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, ये पहले क्या इधर इधर निशा बौद्ध जी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, ये छुटकी हमारी खड़ी हुई है, हमारे साथ चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में थी। मेरी बेटियां देखिए, मैं देखती हूँ रिपोर्टिंग, आप लोग देख लीजिए, जितने भी बहुजन समाज के हमारे यूट्यूब चैनल हैं, आप सभी को मैं सैल्यूट करती, मेरे भाई भी उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन मेरी बेटियां भी कम नहीं हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में रोशनी बौद्ध हो गई, निशा बौद्ध जी हो गई, आपका नाम मैं सविता खुशी जी, आप पीछे से आवाज आ रही, मिलिंदर गौतम जी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटियों को ज्यादा रिकॉग्नाइज हमें करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस आए। SDM साहब गंधर्व सेन अम्बेडकर जी भी, और SDM साहब गंधर्व सेन अम्बेडकर सर वहाँ बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, तो देखिए मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए सच में मेरे दिल में बहुत ज्यादा प्यार सम्मान है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सहयोग से हमें आगे बढ़ना है। मानवर साहब ने यही सिखाया था, एक दूसरे को डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन जहां मिशन की बात आए एकजुट हो जाओ, जहां परिवार में भागीदारी की बात आए एकजुट हो जाओ, सब आगे बढ़ जाओ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। और मुझे लग रहा है कि मैं यहां पर आपको देख रही हूं, आप फेसबुक पर हैं क्या? आप जो क्या नाम है आपको, हेलो, आप एक बार ऊपर आइए। ये पर्सन जो है इनको मैं फेसबुक से देख रही हूँ, और आज मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया इस जगह पर, इनको आइडेंटिफाई कर लिया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज में रिफॉर्म की बात हो, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हो, और चाहे वो साइकोलॉजी लोगों की हो कि किस तरीके से फीमेल रिएक्ट करती है। आप लोग अभी शायद नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मैं अभी मैं फेसबुक से इनको पहचान रही, सोचिए मैं इनको फॉलो करती हूँ। आइए इनको बुलाइए मंच पर। अपने शशि भूषण जी भी हैं, शशि भूषण भाई का है। अरे आपकी तो गायकी जो है विश्व प्रसिद्ध है जी।
जी जी एक बार आप आगे आ जाए। क्या नाम है? सालिम जफर। सालिम, देखिए सालिम जफर जी के बारे में मैं बता रही हूँ, फेसबुक पर मैं इनको फॉलो करती हूँ। मैंने पर्सनली कभी इन पर कमेंट नहीं किया इनके बॉल पर जा करके, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं हमारे समाज के बीच में ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जिनको पॉपुलर भले ही नहीं हुए लेकिन उनका समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन कम नहीं है। आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ एक बार इनकी बॉल पर चले जाइए। सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट जो ड्रिंक है वो चाय है, एम आई राइट? चाय की हमेशा चर्चा होती है। लड़का लड़की के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे बहुत अच्छा छीटा कसी करते हुए कमेंट करते हुए बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। साथ में ही मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर बेखौफ होकर के बेबाकी से ये लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका बहुत अच्छा है लिखने का पढ़ने का। मैं इनको फॉलो करती हूँ और जब भी इनके पोस्ट पढ़ती हूँ तो 50 टाइम्स मुझे हंसी आती है क्योंकि वो साइकोलॉजी को समझते हुए लिख रहे हैं रिलेशनशिप को। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ मैंने देखा मंच पे सडनली मुझे खड़े हुए, मैंने कहा इनको तो मैं पहचानती हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि वर्चुअली दुनिया में भी कोई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है तो वो भी मेरा अपना है। तो आपका इस मंच पर सम्मान है, फेसबुक के माध्यम से भले ही आप आए लेकिन आप सभी की तरफ से, इस मंच की तरफ से आपका सम्मान है। ऐसे ही लिखते रहिए भाई, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत आपको रेयर लोग मिलेंगे जो उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, परफेक्शन कहीं नहीं है। और इसीलिए टाइम टू टाइम डेवलपमेंट की भी मुझे लगता कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है कि डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो गया, वो निरंतर चल रहा है। तो ऐसे ही मेरा इस चीज़ को लेकर के मानना है कि कोई भी रिलीजन हो उसमें हमेशा ये संभावनाएं होती है कि कुछ कमियां खामियां हैं, उन पर हम कुटाराघात करें और एक परफेक्शन की तरफ जाएं। परफेक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम हर किसी को एक्सेप्ट करें, उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, उनके थॉट को एक्सेप्ट करें, समझें। तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का, यहाँ आयोजन समिति का अगेन शुक्रिया।